भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट सीमांत खटीमा के दौरे पर पहुंचे। खटीमा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, वहीं संगठन की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं को कार्य करने का आह्वान भी किया। वहीं उत्तराखंड में बनी और पूरे देश में रिलीज हो रही फिल्म केदारनाथ को जिलाधिकारियों के माध्यम से सरकार के द्वारा प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने के फैसले को अजय भट्ट ने 100% सही बताया। अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की धार्मिक संस्कृति के साथ फिल्मों के माध्यम से हरगिज भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। केदारनाथ उत्तराखंड के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन उस पर सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए ऐसा फिल्मांकन करना जैसा केदारनाथ में हुआ है वो बिल्कुल गलत है। इसीलिए केदारनाथ फिल्म पर बैन लगाने का सरकार का फैसला बिल्कुल सही है, ठीक लगाया गया है। जो हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करती हो जो पिक्चर, तो उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। केदारनाथ हजारों करोड़ों जो सनातन धर्मी हैं उनकी आस्था के केंद्र हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। वहाँ आके मोक्ष की प्राप्ति होती है दर्शन मात्र से। अगर उस पर आप वहाँ की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के चित्र फिल्माएंगे और ऐसे सीन दिखाएंगे जो हमारी संस्कृति के विपरीत हो और जो केदारनाथ में कभी हुआ ही ना हो, तो फिर उसको ऐसी पिक्चर देखने के लिए वो बाजार में पैसा कमाने के लिए परोसने की आवश्यकता नहीं है। संवाद 365 के लिए उधम सिंह नगर से दीपक चंद्रा की रिपोर्ट।